तो दोस्तों हम आ गए हैं एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली के अंदर। जी हाँ दोस्तों, और ये है एम्स दिल्ली का गेट नंबर 2 जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको गेट नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं नई दिल्ली से। अगर आप आ रहे हैं स्टेशन से तो 433 बस नंबर और 460 बस नंबर से आप आ सकते हैं। अगर आपने बस नंबर 505 लिया है तो आप गेट नंबर 1 पर आएंगे, 1 से एंटर होंगे। तो गेट नंबर 1 से तो हमने आपको बहुत सारे वीडियोस दिखा दिए। ये एक पहला वीडियो जो कि हम गेट नंबर 2 से शूट कर रहे हैं। और ये राइट साइड में जो बिल्डिंग आपको दिख रही है जहां हम चल रहे हैं, ये स्टूडेंट्स से रिलेटेड यहां काम है। मतलब यहां पे जो पेपर्स वगैरह होते हैं उनके, या स्टडी से रिलेटेड कुछ काम होते होंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं भी कभी नहीं गया। क्योंकि एम्स में क्या है कि जहाँ पर आपको काम हो आप वहीं जा सकते हैं, हर जगह नहीं जा सकते हैं। क्योंकि गार्ड्स पूछते हैं आप क्यों, कौन हो, कहाँ हो, क्यों जा रहे हो, क्या काम है। तो इसलिए हम इस बिल्डिंग में कभी नहीं गए हैं। और यहाँ पे एक मोड़ आ गया है, सामने गार्ड भी आए हैं और आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा छिपते छिपाते ही रिकॉर्डिंग की हमने। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगे हुए हैं बैरिकेडिंग्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने की ओर जो एरिया है उसको JLN ऑडिटोरियम कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम। और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ज़्यादातर इस जगह पे कोरोना के बाद से थोड़ी एक्टिविटीज़ कम हो गई, नहीं तो हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम ज़रूर होते थे। कुछ भी उद्घाटन हुआ, कभी कोई कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ सेमिनार वगैरह सब कुछ यहीं कंडक्ट होते हैं। अंदर पिक्चर हॉल की तरफ बड़ा सा बना हुआ है थिएटर टाइप का, उसमें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि बाईं ओर जो है गार्डन है काफ़ी अच्छा, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे सुंदरता देखने को मिलती है। और मेंटेनेंस डेली होता है, साफ़ सफाई डेली होती है, कटिंग वगैरह का विशेष ध्यान रखा जाता है पेड़ पौधों का। तो इस तरह से सारी एक्टिविटीज़ है। आज भी मुझे लगता है कुछ यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, इसीलिए थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। और लोग धूप का आनंद लेते हुए आपको अभी आगे दिख जाएंगे। और ऊपर ही आपको बोर्ड दिख रहा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का। राइट साइड में सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं, यहाँ पर आपको कई सारे ऑफिसेज हैं। अंदर से आपको डायरेक्टर का ऑफिस और ये सब देखने को मिलेगा। हालांकि हम वहाँ नहीं गए, वहाँ का शूट हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि शूट करते समय ये सब ध्यान रखना पड़ता है विशेष, कि कोई देख ना रहा हो और कोई नोटिस ना करे कि आप क्यों शूट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है कि आप मेरे वीडियो क्यों बना रहे हो। तो इसलिए बहुत ही ध्यान रखते हुए शूटिंग करनी पड़ती है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है एम्स का। और ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ये बाहर से ला के प्लांट करते हैं जैसा कार्यक्रम होता है, क्योंकि कई बार सूख जाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कई सारे डॉक्टर लोग खड़े हुए हैं, स्टूडेंट और टीचर होंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ पे लोग धूप, थोड़ा धूप का आनंद लेते हुए, क्योंकि सर्दी का समय है तो धूप बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। सामने की ओर जो है पूरा लाइब्रेरी का एरिया है, इसको लाइब्रेरी मतलब आपकी 24 घंटे खुली रहती है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर आपको ऊपर दिख रही है रेलिंग वगैरह, तो लाइब्रेरी का एरिया है। हालांकि हम लाइब्रेरी में भी कभी नहीं गए हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हुए अब हम आगे चल रहे हैं। तो अभी आगे चलते हुए आप देखेंगे पूरा एरिया, ये NMR विभाग है। और एक कितना अच्छा व्यू लग रहा है, आपको दिख रहा होगा, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से शूट किया हुआ है इस वीडियो को। और मतलब आपको बहुत ही पास से और बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो जाए, इसलिए आपको इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल से पूरा शूट किया है वीडियो को मैंने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो पाए। और मतलब एम्स में डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब गार्ड वार्ड हर जगह आपको हर चीज़ पे टोकते रहते हैं। कई बार बुरा भी लगता है कि यार ये क्यों हर जगह जाने से रोक रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन रूल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं एम्स के। साफ़ सफाई भी आप देख सकते हैं, एक ये रोड आपको दिख रही कितनी साफ़ सुथरी रोड है। हालांकि इसमें मैं कोई हॉस्पिटल वाली एक्टिविटीज़ नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गेट नंबर 2 से अगर आप एंटर होते हैं तो क्या व्यू आता है एम्स का। और इस गेट नंबर 2 से हम गेट नंबर 1 की ओर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं, वीडियो को और लंबा ना करते हुए हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये राइट साइड में एक NMR विभाग है, यहाँ पे MRI वगैरह के भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। ज़रूरी नहीं कि आपका, अगर आप MRI भी कराते हैं तो अलग अलग जगह आपको भेजा जा सकता है, जैसे एक इधर है और एक दूसरी साइड भी है। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये हर्ट एंड न्यूरो बिल्डिंग है, इसमें न्यूरो और हर्ट का इलाज होता है। जो भी पूरा डिपार्टमेंट आपको रेड कलर से दिख रहा है, क्योंकि आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो, हृदय एंड वक्ष
तंत्रिका विज्ञान केंद्र, ये आपको पढ़ने में मिलेगा। अब ये आगे चलते हैं, और यही जो बिल्डिंग है ये सबसे ज़्यादा मतलब इसमें भीड़ रहती है, क्योंकि न्यूरो और हर्ट से रिलेटेड पेशेंट्स का इलाज यहीं होता है। हर तरह की अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ये हृदय वाली बिल्डिंग है, इसके बगल में पीछे कैंसर वाली बिल्डिंग है जो कि हमने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाई है, और आगे मतलब बाकी चीज़ों के मिक्स ब्लॉक है, मतलब अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट की, लेकिन ये पूरा हर्ट एंड न्यूरो का डिपार्टमेंट है। और अब हम यहाँ से अंदर से चलते हुए बिल्डिंग के नीचे से रास्ता है इसका, मतलब उस पार जाने के लिए आपको बिल्डिंग से नीचे से होके जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हम आपको दिखाते हुए पूरा, हालांकि ये सब एरिया मैंने पहले के वीडियोस में कवर किया हुआ है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो हमने आपको नए तरीके से शूट करके दिखाने की कोशिश की है अल्ट्रा वाइड एंगल में, क्योंकि पहले के वीडियोस में अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं था, और इसमें आपको ज़्यादा एरिया कवर होता हुआ दिखेगा। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये हर्ट बिल्डिंग का ही एरिया है यहाँ पर। अब आगे चलते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे जो लेफ़्ट का एरिया आपको दिख नहीं पा रहा है, इसमें वहाँ पर कैंटीन है, जहाँ गार्ड खड़े हैं वहाँ उसके पीछे कैंटीन है, और यहाँ ये हर्ट का जो एरिया है हर्ट की बिल्डिंग का, ये ख़त्म होता हुआ इसके बाद आगे हम चल रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रतीक्षालय है, यहाँ पे जो इमरजेंसी के पेशेंट्स वगैरह होते हैं और जो हर्ट की बिल्डिंग के जो पेशेंट्स हैं उनके परिजनों के रहने के लिए, हालांकि इसमें भी ज़्यादा लोगों को नहीं रहने दिया जाता है, लेकिन उनके लिए यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। और राइट साइड में जो जगह दिख रही है ये स्टोर है, इसमें क्या होता है, राइट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड की नहीं, राइट साइड में। तो जो बिल्डिंग्स हैं पूरी अंदर इसमें स्टोर हैं, मतलब दवाइयाँ वगैरह जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब इसमें आके स्टोर किए जाते हैं। और लेफ्ट साइड में हमारे राजेंद्र प्रसाद नेत्र चिकित्सालय है, नेत्र विज्ञान केंद्र, इसमें भी काफ़ी भीड़ होती है। फिलहाल हम आपको आगे दिखाते हुए, अभी हम आपको चलेंगे गेट नंबर एक की ओर लेकर, अभी हम गेट नंबर एक की ओर आगे बढ़ते हुए, और अभी सुबह का टाइम है, भीड़ भी अच्छी खासी थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी देखने को जो मिलनी चाहिए थी। फिलहाल आगे चलते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे, लेफ्ट साइड में अभी नेत्र विज्ञान केंद्र ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र, ये बहुत बड़ा एरिया है इसका नेत्र विज्ञान का भी। और राइट साइड में जो आपको दिखेगा ये सारे वार्ड हैं, जो कि राइट साइड में जहाँ गार्ड आपको खड़े दिख रहे हैं उसके उस पार प्राइवेट वार्ड है, ओल्ड प्राइवेट वार्ड, न्यू प्राइवेट वार्ड नहीं है, ओल्ड प्राइवेट वार्ड। इसमें जैसे मंत्री वगैरह या मंत्री के परिजन या विधायक इन सबों को भर्ती किया जाता है, जो कि दिख रहा है यहाँ पे प्राइवेट वार्ड है। पीछे के साइड में जनरल वार्ड भी हैं, ये प्राइवेट वार्ड हैं। और यहाँ से हम आगे चलते हुए, क्योंकि हम पैदल चल रहे हैं तो आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा दिख सकता है, तो आपको हम पूरे एम्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को कट नहीं किया जा रहा है कहीं पर भी, और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि वीडियो को कट करके या स्किप करके या फास्ट चला के जल्दी जल्दी दिखा दिया जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर आपको देखना होगा तो आप वीडियो की स्पीड तेज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सामने की तरफ जो आपको नीला वाला एरिया दिख रहा है ये है PRC, और ये देखिए एक एम्बुलेंस हम आपको दिखाते हुए, और अभी आपको इमरजेंसी भी दिखाएंगे यहाँ पर जो भी है। तो जो सामने नीला वाला आपको दिख रहा है वॉल टाइप का, कि PRC यहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और पेशेंट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि न्यू बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होगा, न्यू बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन न्यू बिल्डिंग में होगा। यहाँ पे इस समय इधर की बिल्डिंग में जो भी मतलब ऑपरेशनल कार्य चल रहे होंगे उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन होते होंगे। फिलहाल किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर कोई काम नहीं था, तो अब यहाँ का क्या प्रोसीजर है ये नहीं पता मुझे। और यहाँ से हम एक व्यू आपको दिखाते हुए, ये पूरा रास्ता आप देख सकते हैं। अब बिल्डिंग के इस पार इमरजेंसी है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हुए हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हेमा मालिनी जी द्वारा दी गई एम्बुलेंस पे उनका नाम लिखा हुआ है, और हम आगे चलते हुए आपको दिखाते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको सामने की ओर, तो वो जो बोर्ड दिख रहा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रोड से भी बहुत बड़ा बड़ा दिखता है बोर्ड, उसी के जस्ट नीचे इमरजेंसी है, जो कि हमने आपको पहले के वीडियोस में दिखाया होगा कि गेट नंबर एक से हम एंटर होते हुए हैं, और अब हम गेट नंबर दो से एक की ओर वापस आते हुए आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। जूम इन जूम आउट भी समय समय पे कर रहे हैं। और एम्स के जस्ट सामने है सफदरजंग हॉस्पिटल, इसको वर्धमान महावीर चिकित्सालय भी बोला जाता है, अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे जितना दिखा सकेंगे, हालाँकि हम उसके अंदर का एरिया नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से बाहर जाते हुए
आपको दिखा रहे हैं, और अब आपको असली भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हम एम्स के कंपाउंड से निकल रहे हैं, क्योंकि एम्स के अंदर कुछ भी बेचना जो है अलाउ नहीं है, इसलिए आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सब बाहर के एरिया में मिलती हैं। तो अब बाहर की ओर चलते हुए, और अब जो है आपको भीड़ देखने को मिल रही होगी, क्योंकि अभी आपको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है और पूरा बैरिकेडिंग की हुई है। देखिए, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी आपातकालीन है, इसमें भी सिस्टम्स इसी तरह के हैं, लगभग ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। लेकिन एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल का माना जाता है पहले स्थान पे, तो एम्स के रूल एंड रेगुलेशंस थोड़े से अलग हैं। और अब हम यहाँ से जाते हुए, थोड़ा सा शूट करते समय मुझसे गलती हो गई कि हाथ आ गया थोड़ा सा कैमरे के आगे, मैं अपनी गलती सुधारते हुए हाथ को हटा लिया हूँ। और हम आगे जा रहे हैं, आगे हमको उस पार अगर जाना है तो उस पार कैसे जाएंगे उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि यही रास्ता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, फल के, सब्जियों के, कपड़ों के, चाय पानी, जो भी आपको खाना पीना है, इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको मेट्रो लेनी है तो मेट्रो भी आप ले सकते हैं, और मेट्रो अगर नहीं लेनी है, आपको सड़क के उस पार जाना है, तो आप सड़क को डायरेक्टली पार नहीं कर सकते हैं, आपको सबवे लेना पड़ेगा नीचे से। और ये देखिए, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो जो राइट साइड में तो आप देख सकते हैं टेम्पो वगैरह हैं, और लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रही है वो लिफ्ट है, वो लिफ्ट आपको सीधा मेट्रो स्टेशन दिल्ली के यहाँ पे एम्स के नीचे ले जाएगी। और यहाँ नीचे जो मेट्रो लाइन है वो भी मैं आपको बता दूँ कि येलो लाइन है, जो कि यहाँ से हुडा सिटी सेंटर और समयपुर बादली की तरफ जाती है। अगर आपको नई दिल्ली स्टेशन जाना है तो आपको समयपुर बादली की ओर जाने वाली मेट्रो लेनी चाहिए। और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते हुए भी आपको रास्ते में मेट्रो स्टेशन जाने का भी ऑप्शन मिलेगा और रोड के उस पार जाने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मेरा फ़र्ज है कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊं, क्योंकि आपको इतना डिटेल में कोई भी वीडियो नहीं दिखेगा एम्स का जितना कि मेरे चैनल पर आपको दिखेगा। और कोई कमेंट और सुझाव हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट करते रहें, मतलब वीडियो पर कमेंट करते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं और देखिए कितनी गंदगी फैलाई रखी है। ये जो गुटखा खाने वाली प्रवृत्ति है ना, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। हालांकि इस जगह की डेली सफाई होती है, अच्छे से सफाई होती है, दिन भर होती रहती है, लेकिन गंदगी फैलाने वालों के लिए क्या सफाई और क्या गंदगी, उनको तो हर चीज़ गंदी देखनी। देखिए अब हम नीचे आ गए हैं, नीचे आते समय आप दिख रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड में है ये मेट्रो का है, यहाँ पे गेट बंद है फिलहाल, क्योंकि कोरोना की वजह से समय समय पे गेट बंद कर दिए जाते हैं और फिर खोले जाते हैं, तो फिर गेट बंद है वो। और अब हम यहाँ से और नीचे आते हुए देखिए कितने लोग यहाँ पे लेटे हैं, क्योंकि रहने खाने की व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को मजबूरन यहाँ पे लेटना पड़ता है, बैठना पड़ता है, यहीं पे खा लेते हैं, यहीं पे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि कितने दिन लगने हैं। और एम्स के रूल्स बहुत टाइट हैं, जब तक आपका मरीज़ भर्ती नहीं होगा, डॉक्टर लिख के नहीं देगा, तो आपको धर्मशाला नहीं मिलेगी। और धर्मशाला अगर मिलती भी है तो धर्मशाला में रूम खाली है या नहीं है तो ये भी देखना पड़ता है, और फिर पैसे से भी रिलेटेड चीज़ रहती है, क्योंकि किसी के पास उतने पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। हालांकि चार्जेस नॉमिनल हैं, लेकिन नॉमिनल चार्ज होते हुए भी सबकी पहुँच में नहीं है, सबको सिस्टम्स नहीं पता होते हैं। यहाँ नीचे दुकान देख सकते हैं, दवाई वगैरह की हैं, कुछ आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और हम आगे जाते हुए आपको दिखा रहे हैं, अभी हम आगे चलेंगे, और यहाँ पे मतलब तीन चार दुकानें ऐसी हैं जो मेडिकल सामान बेचती हैं, खाना पीने का सामान बेचती हैं, और कुछ स्नैक्स वगैरह चलते रहते हैं। और फिर हम यहाँ से अब देखिए सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, कितनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। हालांकि यहाँ पे चलने वाली सीढ़ियाँ नहीं है, मेट्रो वाले स्टेशन पे तो भाई आप चलने वाली सीढ़ियों से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। मेट्रो स्टेशन इधर भी है, सफदरजंग में भी है, और दोनों साइड से आपको मेट्रो के दरवाजे मिलेंगे, लेकिन कई बार खुले रहते हैं, कई बार नहीं खुले रहते, क्योंकि कोरोना की वजह से हमेशा रेस्ट्रिक्शंस लगते रहते हैं, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें भी एक दिन मेट्रो लेनी पड़ी, और मेट्रो जब हम सोचे कि लिफ्ट से जाएं तो लिफ्ट बंद कर दी गई थी, गेट बंद कर दिए गए थे, मेन गेट ही था। तो ये समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं, और अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये सफदरजंग की तरफ ही क्यों खड़ी हैं, एम्स की तरफ क्यों नहीं खड़ी हैं, क्योंकि एम्स में कुछ भी अलाउ नहीं है। और यहाँ सफदरजंग में थोड़ा सा उतना कड़ा रूल नहीं है जितना एम्स में है, एम्स में बहुत ज़्यादा कड़ाई है और सफदरजंग में उतनी कड़ाई नहीं है जितनी कि एम्स में है। बाकी बिल्डिंग्स वैसी हैं, रूल रेगुलेशन वैसे ही हैं, गार्ड्स उतने ही हैं, लेकिन
सफदरजंग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है रूल्स के। ये एम्स का देखिए आप गेट नंबर 3 मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मेट्रो का गेट है, और यहाँ आगे चलते हुए ये बस स्टॉप है। एम्स इसलिए लिखा है क्योंकि इस जगह का, इस मेट्रो स्टेशन का नाम एम्स है, और बाकी नीचे आपको बोर्ड दिखेगा कि सफदरजंग की ओर जाना है कि एम्स की तरफ जाना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं बस स्टैंड की तरफ हम जाते हुए, हमको बस पकड़नी थी। ये सामने की तरफ आपको एम्स दिख रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र, और इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का बोर्ड दिख रहा है, उसके नीचे है एमरजेंसी। यही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि इस बार हमने जो वीडियो शूट किया है वाइड एंगल शूट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो, कमेंट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।